युक्त आसीत मत्पर युंजन देवं सदात्मानं योगी विगत मानस शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्था मधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। कल यहाँ तक हुआ था, युक्त क्या है? भगवान में मन है तो वो युक्त है। यदा विनीतम चित्तम आत्मनिवने भगवान में जब स्थित होता है तो युक्त है, वो सभी दुखों को दूर कर देगा। युक्त है इसकी पहचान क्या है? निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, संसार की जितनी कामनाएं हैं उसमें उसकी स्पृहा नहीं रहती, उसको युक्त कहते हैं। मन जैसे दीपक की लौ, निवात माने हवा नहीं रहे और वहाँ नेंगते कांपती नहीं है, वो उपमा दी गई है। मन हिलता है, कांपना मन हिलता है। क्यों हिलता है? भगवान ने कहा कि जैसे चक्रवात हवा दो बटे 67 इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीते तस्दस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। उसको ब्रज में भगूड़ा कहते हैं। चक्रवात वायु, चक्करदार हवा पूरब से भी, पश्चिम से, उत्तर से भी, दक्षिण से, चारों ओर से चलती है। उसमें नाव में चारों ओर से पानी आता है। एक तरफ की हवा होती है तो नाव बच जाती है। एक तरफ से पानी आता है उसको उलीच दो या एक तरफ से लंगर डाला जाए तो भी बच जाती ही ना हो।
जब चारों तरफ से पानी आता है तो नाव नहीं बचती है। वैसे ही इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां 10 हैं और 10ों इंद्रियां जीव को खींचती हैं अपनी अपनी ओर। पहले मन को खींचती हैं, उसके बाद मन बुद्धि को चुरा लेता है, बुद्धि की चेतना को खींच लेता है, चेतना को खींचने के मतलब बुद्धि सो जाती है, जागती नहीं है। सनत कुमार ने कहा कि चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तो एमिव हृदात्। मन इंद्रियों से मिल करके उसकी ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, उधर 10 इंद्रियां एक मन 11 हैं, इधर अकेली बुद्धि है। इसलिए बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और जब उसकी चेतना चली जाती है तो जैसे आदमी मर गया उसको कहीं खींच लो या चोरी करने वाले ऐसी चीज सुंघा देते हैं, बेहोश जैसा हो जाता है, मूर्छा सी आ जाती है और उसका सब धन छीन लेते हैं। वैसे ही बुद्धि की जब चेतना चली जाती है तो मनुष्य मुर्दा या मूर्छित जैसा हो जाता है। और इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिबं वसि। बुद्धि मृत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। बुद्धि की शक्ति क्या है? चेतना। जब चेतना चली जाती है तब बुद्धि में शक्ति नहीं रहती कि वो मन से लड़ सके। बुद्धि में जैसे रोग से लड़ने की शक्ति खून में होती है, लाल कण ज़्यादा होते हैं तो उस खून में रोग से लड़ने की शक्ति होती है और रोगी ठीक हो जाता है। अगर रोग से लड़ने की शक्ति नहीं है तो योगी मर जाता है। उसी तरह से भागवत देना,
सनकादिक ने ये बात बताई कि जैसे चोर घुसता है तो वो पहले पहरेदार को बेहोश कर देता है, उसके बाद बैंक लूटते रहो, कुछ करते रहो, उसी तरह से 4, 22, 30 इंद्रियैर विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। यहाँ इंद्रियों को विषयों ने खींचा और इंद्रियों से मिलके विषय ने मन को खींचा, मन ने चेतना चुरा लिया बुद्धि की, जागृत शक्ति जिससे आदमी होश में रहता है। और सब चेतना चुरा लेता है, और उसके मूर्छित या मृत की तरह हो जाता है मनुष्य। इंद्रियैर विषयाकृष्टैर आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। जैसे पानी चुरा लेता है गड्ढे का पास का पेड़, उसी तरह से इंद्रियां चेतना को चुरा लेती हैं और उसके बाद वो मूर्छित या मृत हो जाता है। भगवान ने इस बात को कहा तया बिरता साधो 11वें स्कंद में 21वें अध्याय का 21वां श्लोक है। चेतना से रहित हो जाने पर शून्याय कल्पते, मनुष्य शून्य हो जाता है। ततो अस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। जैसे चोर किसी को मूर्छित कर देता है, सब चुरा लेता है, या मुर्दे को कहीं खींचो वो मना नहीं करेगा। ट्रेन में सब जगह के लोग चाय नहीं पीते हैं, दुकानदार लोग मिले होते हैं चोरों से, चाय मंगाया तुमने उसमें कुछ ऐसा डाल देते हैं कि पीते आदमी बेहोश हो जाए और लोग चुरा लेते हैं। ये घटना रोज होती है। तो वैसे ही जो चौथे स्कंद में बात कही गई है चेतनाम हरते बुद्धे, चार बाईस तीस
मन चेतना को चुरा लेता है, उसका परिणाम क्या है? मूर्छितस्य मृतस्य च 11:21 में बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, मोह में कहीं न चालो बुद्धि वहीं नाचेगी। मनुष्य की चेतना ही उसको बचाती है। चेतना आत्मा का प्रकाश है, वो जितना प्रकाश रहेगा उतने ही मनुष्य क्या चोरी नहीं होगी। काम क्रोध मोह लोभ ये सब चोर हैं, तब चोरी करते हैं जब हम सो जाते हैं, बुद्धि जागती नहीं है, तब ये चोर आते हैं। और सब कुछ चुरा ले जाते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है, तेरी गठरी मिलागा चोर, बटुहिया का सोवे। तेरे गठरी में तो चोर लग गया है, तो क्यों सोता है? पांच तीन 11 चोरवा, सब मिल की ना झूर, बटुया का सोवे। सबने नंगा झारा कर दिया, तेरा लूट लिया। 12 शक्तियां थी, 12 चली गई। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मृतिर् हरि श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में प्रहलाद जी ने कहा, 12 शक्तियां हैं, ये सब चोरी हो जाती हैं। चेतना की चोरी से 12 चीजें चली जाती हैं। न धर्म है, न धृति है, न मन है, न प्राण है, ये सब शक्तियां चली जाती हैं, क्योंकि चेतना चली गई। मूर्छित और मुर्दा हो गया। तया विरहितः साधो जंतु शून्याय कल्पते, ततोऽस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। 11:21-21, चेतना के बिना वो मूर्छित हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। मुर्दे को कहीं खींचो, कहीं पटक दो, कुछ भी करो, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि मूर्छित हो गया, मुर्दा हो गया, उसकी चेतना चली गई। इसीलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों ने मन को मिलाया, सब ने मिलकर चोरी किया, बुद्धि की, और बुद्धि का नाश हो गया। यन इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीते 2/67, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इबाम भसी। चारों तरफ से पानी भर गया जहाज में, नाव में, और अंबासी पानी में जहाज या नाव डूब गया। बुद्धि नाव थी,
इसलिए मनुष्य का विनाश हो जाता है। अगर भगवान में मन है तो नाश नहीं होगा, युक्त है। भगवान से मन हट जाता है जब जीव की बुद्धि का नाश होता है, तभी काम क्रोध मोह लोभ सब आते हैं। अगर भगवान में यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व काभ्यो युक्त उच्यते तदा, युक्त है उसका नाश नहीं होगा। भगवान में मन कैसे है, यथा दीपो निवातस्थ, थोड़ी भी हिलती नहीं है। निवात माने हवा नहीं है, ऐसी जगह दीपक नहीं हिलेगा। विषयों के झकोरे आते हैं, आंधी आती है, और ये आंधी आने के बाद दीपक बुझ जाता है, बुद्धि की चेतना चली जाती है। इसलिए योगी की बुद्धि निवात में रखे दीपक की तरह है, थोड़ा भी नहीं हिल सकती। महापुरुषों की बुद्धि ऐसी होती है, जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो तीनों लोक में सबसे सुंदरी है उर्वशी, जिससे मिलने के लिए इंद्र भी व्याकुल रहते हैं। उर्वशी जब पुरुर्वा के पास आ गई थी शाप से, तब इंद्र ने कहा था गंधर्वों से कि स्वर्ग लोग सूना हो गया। उर्वशी के बिना, ये उर्वशी नर नारायण के तप से पैदा हुई है। एक बार सभी अप्सराएं नर नारायण को तपस्या से हटाने के लिए बद्रिकाश्रम में गई थी, हजारों अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर से सुंदर, नर नारायण के तप को देख करके इंद्र को डर हो गया था कि हमारा इंद्रासन चला जाएगा। नर नारायण के सामने जाके नाचने लग गई भद्दे ढंग से, अपने अंगों को दिखा करके कामुकता पैदा करने के लिए। हंस गए थे नर नारायण जब देखा का इनके ऊपर हमारा असर नहीं हुआ है, तो डर गई कि शाप न दे दें। नर नारायण ने कहा डरो नहीं, तुम लोग, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा तो धंधा है इंद्र की आज्ञा मानने का। तुम जाओ और अपने तप की शक्ति से हजारों अप्सरा पैदा कर दिया। भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, और एक एक
उनके तप से जो अप्सरा प्रकट भई उतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं उनके रूप के आगे उनका रूप बेकार चला गया। उनकी सारी जो रूप का मद था खत्म हो गया, डर के मारे कांपने लग गई। नरनारायण बोले, देखो इनमें से किसी एक की तुम समानता नहीं कर सकती हो। सिर झुकाए सब खड़ी थी। उन्होंने कहा हां, इनके रूप के आगे हमारा कुछ भी न रूप है न सौंदर्य है न तो कला है। हम सब स्वर की अप्सराएं मिल करके भी इनको नहीं पा सकती हैं। नरनारायण बोले, एक छांट लो तुम, एक अप्सरा हम तुमको देते हैं और तीनों लोक में सबसे सुंदरी होगी। स्वर्ग में तो है ही नहीं ऐसा। दोनों ने चुन लिया, उर्वशी उसका नाम था। उर्वशी तीनों लोक में सबसे सुंदर मानी गई। यहाँ तक कि हमने महावाणी में पढ़ा है, बिहारी जी कहते हैं कि ये राधिका रानी मो मन बसी ज्यों उर्वशी। उर्वशी की चर्चा महावाणी में भी आई है। उसमें इतना आकर्षण है कि ठाकुर जी कहते हैं ये राधा रानी हमारे हृदय में उर्वशी की तरह बस गई हैं। ये हमने इसलिए सुनाया कि उर्वशी का सौंदर्य महावाणी में भी गाया गया और श्री जी से समानता की गई, इतनी सुंदर है। लेकिन उसको भी ठुकराने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, अर्जुन जैसे। उर्वशी अर्जुन के पास गई थी, रात को स्वयं मोहित हो गई थी। अर्जुन भी तो नर के अवतार हैं, कृष्ण की तरह श्याम वर्ण है, इनका भी। और अर्जुन ने उसको देख करके प्रणाम किया और उसके चरणों में बैठ गए। माता जी कहा, वो बिगड़ गई क्योंकि वो काम भाव से गई थी। वहाँ उर्वशी का बहुत बड़ा संवाद है अर्जुन से। उर्वशी कहती है, हम अप्सरा हैं, हम किसी की माँ नहीं हैं, हम तो केवल भोग्या हैं। हमको यही परमात्मा की ओर से ड्यूटी दी गई है। अर्जुन बोले, नहीं, तुम भले भोग्या हो लेकिन हमारे पुरखों ने तुमको भोगा है। पुरुरुवा हमारे पुरखा थे, तुम हमारी माँ ही रहोगी। उसने गुस्से में शाप दे दिया
आज तक मेरी बेइज्जती कभी नहीं हुई है। तू एक मनुष्य होकर के मुझको ठुकरा रहा है, जा नपुंसक बन जा, हिजड़ा बन जा। एक पुरुष के लिए सबसे बड़ा धक्के की बात है जब वो नपुंसक बन जाता है। अर्जुन ने कहा कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मरते समय भी मैं तुझे माँ ही कहूंगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने भोगा है, तू मेरी भोग्या नहीं बन सकती है। अर्जुन की चेतना जाग रही थी और वो झुके नहीं, उसके शाप से उसी समय वो हिंजड़े बन गए। लेकिन अड़े रहे। इंद्र ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे पास उर्वशी गई थी? बोले हाँ गई थी। सारी बात सुनाई उन्होंने कि मुझको श्राप दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं, मेरे जब तक जीवन है मैं उसको माँ ही कहूँगा। इंद्र भी आश्चर्य में हो गए, ऐसा संयम आज तक किसी ने नहीं दिखाया स्वर्ग में। अच्छा चलो, इस शाप को मैं वरदान बनाता हूं, तुम हिंजड़े बन गए, एक साल के लिए हिंजड़े रहोगे, जब अज्ञातवास करोगे तब तुम एक साल के लिए हिंजड़े बन जाओगे, तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। और क्योंकि अर्जुन का नीला वर्ण था, श्याम वर्ण, रंग तो बदल नहीं सकता, अज्ञातवास में जब वो विराट के नगर में वेश बदल करके पांडव रहे, तो अर्जुन भी ने भी वेश बदला और सैरंध्री नील वर्ण की दासी बने। अंतःपुरण में जो नाच सिखाने वाली होती है वहाँ डॉक्टरी होती है। रनिवास में जाने के पहले पुरुष को नहीं रखा जाता नौकर, स्त्री रहती है। तो अर्जुन की भी डॉक्टरी भई, परीक्षकों ने कहा ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। वो शाप वरदान बन गया, कोई पहचान नहीं पाया कि अर्जुन है। इस तरह से वो एक साल तक वहाँ नृत्य सिखाते रहे। उत्तरा को सिखाने के बाद जब एक साल बीत गया तब अर्जुन अर्जुन के रूप में निकले, पांडव प्रकट हो गए। अर्जुन ने बृहन्नला नाम बदल दिया, हिंजड़ेपन का नाम बृहन्नला,
बदल के अर्जुन नाम रख लिया। भीमसेन ने भी बल्लभ नाम बदल करके भीमसेन रख लिया। युधिष्ठिर ने भी सब जो पांचों नाम बदले थे, तो अर्जुन उसी रूप में आ गए। और कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन ही पहचाने जा सकते थे, उनका श्याम रंग था, श्री कृष्ण की तरह थे, नर नारायण। लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। उनकी बुद्धि डूबी नहीं, उनकी चेतना की चोरी नहीं हुई। ये एक उदाहरण उन्होंने रखा हम जैसे लोगों के लिए, जो थोड़े से रसगुल्ले दे करके ही जिनके मुंह में पानी आ जाते हैं, कुछ नोटों का बंडल दे करके ही धर्म नष्ट हो जाता है। धन ऐसी चीज है, इसके पीछे मनुष्य सब कुछ बेच देता है, धर्म बेच देता है। ये सब ऐसा क्यों होता है? चेतना चली जाती है हमारी, चेतना नहीं जाती है तो जागता रहता है। तेरी गठरी में लागा चोर, बटोइया कास हो गए, 5, 3 और 10 हैं चोरवा, जागत कीजे भोर, सब मिल कीना खोर, बटोइया कास हो गए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, युक्त कौन है जिसका मन भगवान में है? यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, जब भगवान में तो हिलेगा नहीं मन। निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना, न काम की हवा हिलाएगी, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की। आंधियां आती हैं, लेकिन उस योगी के मन रूपी दीपक को हिला नहीं सकती हैं। बोले यो युक्त है, वो योगी है सच्चा, आंधियां उसको हिला नहीं सकती हैं, क्योंकि आत्मन्येव अवतिष्ठते, उसका मन आत्मा भगवान में स्थित है। इसलिए युक्त शब्द का अर्थ यहां भगवान में मन होना ये लगाया गया है। जय श्री राधे।